अभी मैं युवाओं का शहर पटना के भिकना पहाड़ी में हूं और यहां पे मेरे साथ ऋतु जायसवाल जी हैं जो आरजेडी की नेता हैं और यहां पे छात्रों का समस्या को उठाने के लिए आई हैं। सबसे पहले सचतक न्यूज में आपका स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। अच्छा, आप यहां पे क्यों आई हैं? बच्चों का जिस तरीके से कल इनको अपनी ही नौकरी के लिए सरकार के द्वारा धांधली की गई और जब उन्होंने इसकी डिमांड रखी तो उन्होंने जिस तरह से पुलिस ने इन पर डंडे बरसाए हैं, लाठियां बरसाई हैं, पत्थर बरसाए हैं और गाली अगर आप सुन लेंगे ना तो आप शर्म से आंखें नहीं उठा। मैंने वो गाली सुना है, एक बच्चे को इस प्रकार से मारा जा रहा था और उसकी माँ बहन को गाली दी जा रही थी। समस्या यह है, मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर वो बच्चा गलत था, हाथ गोड़ तोड़ के उसको जेल में डाल देना चाहिए। उसकी माँ की क्या गलती थी, उसके पिताजी का क्या गलती था कि उसकी बहन की क्या गलती थी कि उसको भी गाली दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं वही कहना चाहती हूँ, जो पुलिसिया कानून लाया गया था उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके जिसका की बहिष्कार हमारी बिहार है, यहाँ पे तो विधायकों को भी कूट दिया जाता है विधानसभा में। यही मैं कह रही हूँ, इसी पुलिसिया कानून के विरोध में जब हमारी पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया था तो सड़क से सदन तक जिस तरीके से गरिमा को तार तार किया गया था उसमें से एक हत्या के आरोपी का प्रयास का मुझ पर भी है 307 का मुकदमा, मेरे ऊपर भी, क्योंकि मैंने भी ये कहा था कि ये पुलिसिया कानून का परिणाम जल्द ही लोगों को देखने को और भुगतने को मिलेगा। हमारी पार्टी ने इसको प्रमुखता से रखी। यहाँ पे लाठीचार्ज हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? वही खाएंगे मार, क्योंकि यही कर रखा इन्होंने। पत्रकारों को भी मारा गया है कल, उसमें क्या कहना चाहती? मारा गया, मुझे मारा गया था विधानसभा में, आपने देखा ही होगा। मैंने देखा था, वो पत्थर बरसाए गए थे, ईंटों से मारा गया था, तो ये तो इनका है। यहाँ आने से पहले मुझे पता था कि लाठियाँ चल सकती है, मार खा सकते, पर इसके डर से बैठेंगे तो नहीं। इनको लगता है ना सरकार उनकी है, नौकरी उनकी है, बहाली उनकी है, धांधली उनकी है, मगर क्रांति इन बच्चों का अधिकार है। ठीक है, ये जेपी आंदोलन की बात जो आपने की थी ना मनीष, ये जेपी आंदोलन हो करके रहेगा। अच्छा, विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी यादव, इन बच्चों के साथ कब आ रहे हैं? पहले भी साथ में थे लगातार, आपने देखा होगा चाहे वो एसटीटी का कुछ। मैंने देखिए, मैं कड़वा सवाल करता हूँ, सिर्फ दो ही नेता को देखता हूँ मैं बच्चों के साथ, एक आपको एक पप्पू यादव को। मैं जो फैक्ट है वो मैं बोलता हूँ, जो फैक्ट है, आप रहती है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, कहीं भी घटना घटता वहाँ जाती है, मैं पप्पू यादव को देखता हूँ, तीसरा बिहार में किसी नेता को नहीं देखता हूँ, ये बात सच है। पार्टी की तरफ से ही आए हैं बाबू, उनकी तरफ से ही आए हैं, पार्टी की तरफ से ही आए हैं। चाहे विधानसभा में सड़क पे मार खा रहे थे तब भी पार्टी के आह्वान पे ही थे, अभी भी मुझे कहा गया वहाँ जाने के लिए, वो दो दिन उनको और लगेंगे पहुँचने में यहाँ पे। ठीक है, बाहर हैं, आ रहे हैं और उन्होंने वहाँ से लगातार संपर्क में, उन्होंने उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी भी घर से बाहर निकलेंगे, चूंकि बाढ़ आता है तो भी नहीं निकलते हैं और कोई आपदा आता है तो भी नहीं निकलते हैं, लेकिन उसी पार्टी के ये नेता हैं और ये निकलती हैं तो इनका मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, और पप्पू यादव निकलते हैं तो मैं उनका प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा, और उम्मीद है कि दो दिन बाद वो भी आएंगे और बच्चों का साथ देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं जन अधिकार पार्टी से हूँ, मेरा नाम सुप्रिया खेमका है और मैं पप्पू यादव जी की तरफ से आई हूँ। कल रात में भी उन्होंने जैसे सुना कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, किस तरह से निर्ममता से उन्हें मारा गया है, वो उस वक्त पटना में अवेलेबल नहीं थे, फिर भी वो आंधी की तरह दौड़ते हुए आए कि मेरे बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उनके भविष्य के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये सरकार युवा विरोधी है और जो कि हमें ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। आज ये सरकार ने लोगों को रोड पे ला दिया है, हमारे युवा पीढ़ी को रोड पे ला के रख दिया है बस राजनीति रोटी सेकने के लिए। कोई भी राजनीति दल के लोग जब भी नहीं आते हैं, हमारे पप्पू यादव जी आते हैं और हम जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये मेरे भाइयों को इंसाफ नहीं मिल जाता है, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। पप्पू यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि ये युवा विरोधी सरकार है, जो कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, इनके सुनहरा भविष्य, इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, लोग दूर दूर से। विधानसभा में कब सवाल उठाया जाएगा इस पे, दीदी आप बताइए? लगातार उठा रहे, लगातार आप सदन में देखेंगे तो यही सवाल, तो ये भी अगर सत्र शुरू होगा सत्र में ही तो रखी जाएगी ना, तो सत्र जब होगा तो भी उठाया जाएगा, पहले भी उठाया गया है। बच्चों को इंसाफ कब मिलेगा? ये तो सवाल मैं गलत आदमी से पूछ रहा हूँ, इसलिए कि आप सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर नहीं बैठी हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं नहीं तो कहीं उम्मीद है कि आप बच्चों के साथ उसी मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी जिस मजबूती के साथ पहले खड़ी रहती थी। कब इंसाफ मिलेगा बच्चों को?
इंसाफ मिलने तक हम इनके साथ हैं। इनके एक एक डंडे में ना एक डंडा अगर मेरे ऊपर भी बरसेगा तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इनके एक एक चोट में अगर एक चोट मेरे लिए होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। क्योंकि देश में सबसे ज्यादा शिक्षक पटना में ही रहते हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों को छोड़ के बाकी कोई शिक्षक बच्चों के साथ नहीं आता है। हाँ, कुछ शिक्षक आते हैं बच्चों के साथ, उनको तहे दिल से धन्यवाद। जैसे खान सर हैं, बिपिन सर हैं, ये लोग आते हैं, साथ देते हैं बच्चों को। क्या नवीन सर भी आए थे? नवीन सर एसके झा नवीन सर, नवीन सर शिक्षक की भी मजबूरी है। शिक्षक को धमकी दिया गया कि किसी भी तरह से आप प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है शिक्षक भी सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षक को कब बचाया जाएगा? शिक्षक को कब बचाया जाएगा? शिक्षक भी डरे हुए हैं। सुरक्षित कौन है बिहार में? सुरक्षित पता कौन है? सिर्फ शराब माफिया सुरक्षित है और अपराधी सुरक्षित है। अपराधी अपराध करके पूरी तरह से सुरक्षित मिला है। इस देश में छीनना पड़ेगा, आजादी भी छीनना पड़ा था, आजादी भी छीनना पड़ा था और बच्चा का हक भी छीनना पड़ेगा। इस देश में कुछ मांगने ये बच्चे जो है पाकिस्तानी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये बच्चे अपराधी नहीं है, ये बच्चे छात्र हैं, इस देश का भविष्य है और इन्हें अपने भविष्य के लिए भी लड़ना पड़ रहा है और मार खाना पड़ रहा है। ये इन्हें नहीं पता है कि तलवारों के साए में इतिहास लिखा जाता है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। उम्मीद है कि सरकार इन बातों को समझेगी और जिस दिन सरकार इन बातों को समझ जाएगी शायद बच्चों को सड़कों पे आके इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। और अगर कल बच्चे जो है वो रेलवे स्टेशन पे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो कहीं नहीं तो कहीं इसमें सरकार की नाकामी है, नहीं तो NTPC RRB के बच्चे जो है वो सड़कों पे नहीं उतरते, स्टेशन पे नहीं उतरते अगर इनका हक जो है इन्हें दे दिया जाता। सर कल जो पीटा गया स्टूडेंट को, पीटा गया जो आंसू के गोले दागे गए, मेरे दोस्त का चप्पल टूट गया यहाँ पे सर, ये मेरे दोस्त का चप्पल टूट गया। हम लोग इतना गरीबी झेल के यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। साल का बजट है, बताइए रहना पड़ रहा है। बताइए आप एक महीना पहले ग्रुप डी में लगा देते हैं कि मेंस होगा, तो बताइए ये कैसे स्टूडेंट आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मिनट, जिस तरह लोकसभा को आप निर्धारित करते हैं, एक लोकसभा से एक स्टूडेंट, एक सदस्य प्रतिनिधि संसद करने के लिए जाएगा, उसी तरह तो एक कैंडिडेट के लिए एक रिजल्ट जारी होना चाहिए। सरकार से हमारी कोई मांग नहीं। देखिए नेताजी लोग अपने लिए बहुत आसान नियम कानून बनाते हैं और अपना पेंशन का भी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, लेकिन इन बच्चों का भविष्य जो है ना वो बर्बाद करते हैं। सभी प्रकार के कृषि का नेता होता है, सभी प्रकार के मांग किसी का मांग का नेता होता है, ये स्टूडेंट का नेता कौन होगा सर? इसके पीछे एक कहानी मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि स्टूडेंट का नेता कौन होगा, तो इन्हीं छात्रों से एक मिनट रुकिए, फिर आप लोगों से भी एक कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ और जवाब दीजिए। रैलियों में भीड़ लगाते हैं छात्र, 150 रुपया का पेट्रोल अगर गाड़ी में डलवा दिया जाता है तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा झंडा है, हम उठा के जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और जब मरते हैं तो वही नेता हमारे साथ नहीं आते हैं। नहीं देखिए गलत बात नहीं, मैं जानता हूँ इन नेताओं को बनाने वाला कोई और नहीं, हमारे देश का युवा जवान और छात्र है, बस उनको गद्दी से उतारेंगे यही छात्र। बस याद रखना है किसी भी गलत नेता का सपोर्ट नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। वाला युवा भारत देश है समझे, और युवा को बेदखल कर दिया जा रहा है अभी ग्रुप में। देखिए एक गाना है, कहता है दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाह वो भी बेवफा हो गया। हम लोग मोदी जी सरकार को वोट दिए क्योंकि चाह उनका, लेकिन उन्हीं को चाह वो बेवफा। 92 लाख हम लोगों ने ट्वीट किया, 92 लाख ट्वीट किया हम लोगों ने, 92 लाख ट्वीट किया गया, अब वो 1.5 करोड़ ट्वीट हो गया था, ठीक है सर, लेकिन ट्वीट बोल रही है प्रशासन, बोल रही है कि छात्र करे उस लिए लाठी चार्ज करना पड़ा, तो छात्र करे तो लाठी चार्ज हुआ, तो छात्र के माँ बहन को गाली क्यों दिया गया? उनकी क्या गलती थी? उसका सिंपल जवाब है एक मिनट अगर छात्र को करना पड़ा तो छात्र तो सबसे पहले 90 लाख ट्वीट किए, आप अगर उस पे एक्शन ले लिए रहते तो क्या जरूरी था लड़के को पहुंचना? देखिए मैं कल रात में उत्तर प्रदेश में था,
वहाँ पे गोरखपुर में एक रेप की घटना हुई है, वहाँ पे मैं था और जब मुझे पता चला इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है तो मैं वहाँ से यहाँ पे आया हूँ। उम्मीद है कि सभी लोग कम से कम इस देश के युवाओं का भविष्य बचाने के लिए प्रयास करेंगे और निष्पक्षता पूर्वक प्रयास करेंगे। और इस देश में सबसे ज्यादा युवा जो है ना पटना शहर में रहते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो वैकेंसी आया था उसमें 1,89,00,000 लड़का फॉर्म फिलअप किया था, उसमें सिंगल सीबीटी लेकर के आप एग्जाम कंडक्ट करा दिए। 2019 में जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया उसमें 1,15,00,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया गया। आप भाई से ये पूछना चाहते 1,89,00,000 ज्यादा है 1,15,00,000? 1,89,00,000 में आप सीबीटी 1 करके आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं तो 1,15,00,000 में क्यों नहीं? आपको इसी क्या जरूरत पड़ गई कि ज्यादा में 1 सीबीटी और कम में 2 सीबीटी? अगर यही करना चाहता है तो आप नोटिफिकेशन के टाइम कर दे। चेयरपर्सन साहब जो है अभी 10 दिन पहले लाइव आए थे, किसी मीडिया में लाइव आए, उन्होंने कहा कि 71 पेज का जो मैंने नोटिफिकेशन जारी किया था अब उसमें किसी भी प्रकार से कोई संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें कल जो है रात में जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया क्या कि अब ग्रुप डी में 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 CBT 2, जो कि आज तक कभी ऐसा लिया नहीं गया है, कहीं से भी जायज नहीं है। मैं कारण बता देना चाहता हूँ, इस देश की सरकार जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है, क्योंकि इस देश में अगर कहीं किसी नेता को ताकत दिखाना होता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में वो नेता रैली करता है, और जब बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार रहेंगे तो रैलियों में भीड़ लगाएंगे। उसके अलावा एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश की सरकार जो है हर चीज को बेचना चाह रही है, अगर रेलवे में ये सभी चले जाएंगे तो वो बिक नहीं पाएगा आसानी से, इसलिए जो है ना वैकेंसी में जानबूझ के गड़बड़ी किया गया ताकि ये लोग आंदोलन करें और वैकेंसी को निरस्त कर दिया जाए, ये सब चीजें सुधार हो और जल्द से जल्द इन युवाओं का समस्या का समाधान हो। क्या मांग है? मांग बताइए, सिर्फ मांग। मांग यही है कि इन्होंने कहा है कि 3 तारीख को जो हम सेंटर शो कर देंगे, 3 तारीख को आपका कहाँ परीक्षा होने वाले CBT 2 का, लेकिन हम लोग बोल दिए 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, ठीक है, उस दिन से पहले यदि नहीं आपने किया सुधार यानी कल तक, तो फिर अभी जो उग्र आंदोलन जो अभी शुरू नहीं किए, हम लोग शांतिपूर्ण किए हैं, लेकिन उनका मनसा यही है कि करें आंदोलन, कर सकते हैं। मनीष भैया, इससे भी बड़ा यदि 26 तारीख तक नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आपको 3 साल पहले पता नहीं था कि कितना स्टूडेंट है, 1 महीना पहले एग्जाम का नोटिस देते हैं कि हम CBT 2 लेंगे, अब ये बताइए कि एक जो 3 साल से आप फॉर्म भरवाए हैं तो आपका अंदाजा होगा ना कि दलील दे रहे हैं कि जनसंघ। मैं अभी जहां खड़ा हूं पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षक और बच्चे इसी जगह पे रहते हैं, यहीं पे जहां पे खड़ा हूं भिकना पहाड़ी बाजार समिति एरिया है ये सब, और यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं, तो उम्मीद है कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आप बोलते हैं देश के पास पैसा नहीं है, 1 मिनट, देश के पास पैसा नहीं है, 13 करोड़ का बाथरूम बनाते हैं मोदी जी स्नान करने के लिए, देश के पास पैसा नहीं है, 20,000 करोड़ का सांसद भवन बनाते हैं जबकि सांसद भवन इतना अच्छा सांसद भवन है, देश के पास पैसा नहीं है, देश के पास सब है, ये साला ये चुतिया नेता लोग सब अपना घर में रखना चाहता है, प्रधानमंत्री का गाड़ी रुक जाता है तो देश में हल्का मर जाता है, साला हम लोग का जवानी 5 साल से बर्बाद हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये लोग जो बार बार नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं RRB, हम लोग जबकि डिजिटल प्रोटेस्ट करके इस मांग किए, अब बताइए कि ये कैसा नोटिफिकेशन दिया गया जिसमें शिक्षक का दूर बड़े बड़े टीचर भी नहीं समझ पा रहे कि कैसा नोटिफिकेशन। और मैं तो विनती है, विनती है, बहत्तर पेज का नोटिफिकेशन इस देश के रेलवे मंत्री जो है एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और 72 पेज का नोटिफिकेशन जो है ना एक बार पढ़ के सुना दे।